साल 2014 जब मोदी सरकार ने सबका खाता भाग्य विधाता इस स्लोगन के साथ जनधन योजना की शुरुआत की। पीएम मोदी के आह्वान के बाद इस योजना के उद्घाटन के पहले ही सप्ताह में 1,80,00,000 बैंक खाते खोले गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक 23 से 29 अगस्त 2014 के बीच पूरी दुनिया में एक सप्ताह में सबसे अधिक 1,80,00,000 से ज्यादा बैंक खाते भारत में खोले गए। आज इस योजना को शुरू हुए 10 साल हो गए हैं। आइए देखते हैं कहां तक पहुंची है दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया परिवारजनों को 1,00,000 रुपए का बीमा मिल सकता है। साल 2014 में लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने जब मिशन मोड में सरकार की पहली योजना की शुरुआत की तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना बन जाएगी। गरीबों को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए पीएम जनधन योजना को 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया। मार्च 2015 में जनधन खातों की संख्या 14.52 करोड़ थी जो 2024 में 53.15 करोड़ पर है। उस समय इन खातों में करीब 15,600 करोड़ जमा थे जो अब बढ़कर 2.31 लाख करोड़ हो गए हैं। जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में 55.6% से अधिक खाते महिलाओं के हैं। रुपे डेबिट कार्ड की संख्या 13.15 करोड़ से बढ़कर 36.14 करोड़ पर पहुंच गई है। योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से 66.6% खाते गांवों और कस्बों में हैं। जनधन खातों को मोबाइल और आधार संख्या के साथ जोड़ने के बाद सरकार को लाभार्थियों की पहचान आसान हो गई और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जनधन आधार मोबाइल की आधारभूत संरचना ने गवर्नेंस के नए मॉडल डीबीटी व्यवस्था को जन्म दिया। डीबीटी के जरिए बीते 10 सालों में 34,00,000 करोड़ रुपए लाभार्थियों के खातों में सीधे पहुँचाए गए हैं। साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी काफी फायदा हुआ है। कई दशकों में जो प्रोग्रेस होना था ये इस 10 साल में हो गया है। अब तक मतलब जनधन में 53 करोड़ मतलब 53 करोड़ पार्टिसिपेंट्स उसमें अकाउंट होल्डर्स हैं, 53 करोड़ अकाउंट होल्डर्स है और जिसमें कि ज़्यादातर 55% वीमेन है और 66% जो है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में है। आगे और भी बहुत टारगेट और सारे माइलस्टोन अचीव करना है। क्यों इतना लोकप्रिय है जनधन खाता? पीएम जनधन योजना दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जो जीरो बैलेंस के साथ खोला जा सकता है। प्रत्येक खाता धारक को फ्री रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही हर खाते पर 2,00,000 रुपए के दुर्घटना बीमा कवर का भी लाभ मिलता है। हर खाते पर इस योजना के तहत 10,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी है। कोविड के दौरान जनधन खातों में धनराशि पहुंचाने में काफी मदद मिली। असमय मृत्यु की स्थिति में इन खातों से जुड़ी बीमा राशि ने बड़ी राहत दी। 2018 के बाद बीमा राशि और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई। आज गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सेवाएं पहुंच रही हैं। लोग रुपए कार्ड का आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल लेनदेन बढ़ गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खोलने से मेरी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। जो हमें पॉकेट मनी मिलती है हम इसमें जमा करते हैं जिससे हमें बचत करने की आदत पड़ गई है। इसके अंतर्गत गैस सब्सिडी, नरेगा और इंश्योरेंस दुर्घटना बीमा का फायदा हमको इससे मिल रहा है। इस योजना के जुड़ने के बाद बैंकिंग प्रणाली की काफ़ी सुविधा हमको मिलने लगी है। पहले कई सारी दिक्कतें आती थी, जैसे कि किसी भी बैंक में खाता खुलवाने के लिए जा रहे हैं तो 1,000 रुपये से कम 1,000 रुपये से तो खुलता था अकाउंट और उसमें पैसे निकालने के भी चार्ज लगते थे। अगर उसमें कोई भी बैलेंस ना छोड़ें तो चार्ज लगता था और बहुत सारी दिक्कतें आती थी उसमें।
पीएमजेडीवाई ने 1.4 बिलियन की आबादी वाले देश में सरकार की वित्तीय समावेशन रणनीति की आधारशिला के रूप में काम किया है और जनधन योजना को अन्य योजनाओं के साथ एकीकृत कर वंचित लोगों को सशक्त बनाने के सरकार के प्रयास जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बहुतों का जीवन सवार रही है जनधन योजना।